बिजनेस टाइकून मियां मंशा भी नैब के रडार पर। 95 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। नैब ने मियां मंशा को 17 अगस्त को तलब कर लिया। नैब की 3 रुकनी टीम मियां मंशा से तहकीकात करेगी। मियां मंशा ने बरतानिया में होटल खरीदा। एमसीबी बैंक, आदमजी इंश्योरेंस से मुतालिक भी तहकीकात होंगी। जराए बरकी में 5 अफराद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। लाठियां ग्रुप के सरगना इफ्तार लाठियां समेत 5 मुलजमान ने गिरफ्तारी दे दी। मुलजमान में वकार अली, कदीर हुसैन, जुल्फकार उर्फ सोनी और अशरफ उर्फ बोगा शामिल। मुलजमान ने डीएसपी मलिक दाऊद और नजर अब्बास की मौजूदगी में गिरफ्तारी दी। मुकदमे में 9 मुलजिम नामजद, 4 ताहाल फरार हैं। मरकजी मुलजिम इफ्तार लाठिया ने कबलस गिरफ्तारी जमानत करवा रखी है। पुलिस ने मुलजिम को शामिल तफ्तीश कर लिया। मुलजिम 7 अगस्त को फुल्लरबान में 3 सगे भाइयों समेत 5 अफराद को कत्ल करके फरार हुए थे। गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना ने 15 अगस्त को पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने की मंजूरी दे दी। 9 मुंतखब अराकीन असेंबली हल्फ उठाएंगे। निगरान सूबाई वजीर कानून ने इजलास बुलाने की समरी गवर्नर को इरसाल की थी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी से तमाम सिक्योरिटी वापस ले ली गई। यूसुफ रजा गिलानी को साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से सिक्योरिटी दी गई थी। गिलानी फैमिली का सिक्योरिटी वापस लेने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला। एहतसाब अदालत ने फवाद हसन फवाद के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुलजिम का शेख जायद हॉस्पिटल में चेकअप कराया। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की जरूरत नहीं। अदालत के रिमार्क्स, फवाद की सैलरी अकाउंट खोलने की दरख्वास्त पर समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी। एनआईसीएल में करोड़ों रुपए की करप्शन। एहतसाब अदालत के जज ने मरकजी मुलजिम एयाज खान न्याजी को कमरा अदालत से गिरफ्तार करवा दिया। मुलजमान ने एनआईसीएल के लिए 20 कनाल 2 मरले का प्लॉट इंतहाई महंगे दामों खरीदा। नैब प्रोसिक्यूटर। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के सरबराह डॉक्टर फैसल मसूद के तकर्री चैलेंज। डॉक्टर आमिर अजीज ने नासिर कुरैशी के तवसत से हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की। तकर्री पर इतराजात और बेजाबतियों की निशानदेही। बड़ी ईद से कबल चोरों और डाकुओं की ईदी मुहिम। शादबाग में ताला तोड़ ग्रुप जनरल स्टोर का सफाया कर गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज पर। टाउनशिप में दिन दहाड़े जनरल स्टोर पर वारदात, लूटमार। मांगा मंडी में घर में नकद जनी की वारदात। चोर 9 तोले जेवरात और नकदी लूट कर फरार। घरों में काम करने के बहाने वारदातें करने वाली 3 खवातीन गिरफ्तार। बादामी बाग में सौतेली माँ के तशद्दुद से 3 साला बच्ची के कत्ल का मामला। पुलिस ने बच्ची के वालिद और सौतेली माँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा बच्ची की हकीकी माँ महविश की मुदय्यत में दर्ज किया गया। लड़की की गैर अखलाकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करने वाला 14 साला मुलजिम इनाम सेशन कोर्ट में पेश। एडिशनल सेशन जज ने FIA से मुलजिम का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश। भांत भांत के जानवर तवज्जो का मरकज। कीमतें ज्यादा होने के बायस शाहपुर कांजरा मंडी में गाहक कम। तीन रोजा कबल PIA के तैयारे से परिंदा टकराने का मामला। कराची से नया इंजन लाहौर पहुंच गया। माहिर इंजीनियर्स तैयारे का इंजन तब्दील करने में मसरूफ। हादसे से PIA को करोड़ों रुपए का नुकसान। पंजाब इमरजेंसी सर्विस में जश्न आजादी के हवाले से तकरीब। रेस्क्यू कैडेट्स के दरमियान मिली नगमों के मुकाबले DG रेस्क्यू ने केक काटा।
वाहगा बॉर्डर पर यौम आजादी की शानदार तकरीब की तैयारियां जारी। रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। यौम आजादी पर हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। पुलिस का यौम आजादी पर सिक्योरिटी प्लान तैयार। इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर। अलहमरा में जश्न आजादी के हवाले से रोशन पाकिस्तान की तकरीब। बैंड की शानदार परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए। बच्चों समेत शुरका का वतन से मोहब्बत का इजहार। लेडी एचिसन हॉस्पिटल में भी यौम आजादी की मुनासबत से तकरीब परचम कशाई। एक्सपो सेंटर में रंगारंग वेडिंग शो। कोका कोला कंट्री हेड रिजवान हैदर ने ब्राइडल शो का अफ्तिताह किया। कपड़ों और ज्वेलरी के 200 से ज्यादा स्टॉल्स।